नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इनानी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इनानी एजुकेशन। आज फिर मैं एक लेटेस्ट और बड़ी खबर लेके आया हूं, जो कि रीट 2016 और रीट भर्ती 2018 से संबंधित है, जिसके लिए आज एक सुनवाई होनी थी जो कि बीएड मामला था, उसी संबंध में एक बड़ी खबर निकल के आपके सामने आ रही है। तो इस मामले में हम बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी कि बीएड मामला क्या था और इसकी आज की जो सुनवाई थी उसमें इसका क्या निर्णय हुआ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले प्रत्येक जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जी राजस्थान न्यूज चैनल का ट्वीट है जो कि अभी अभी ट्वीट हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे 12:05 पर यह ट्वीट हुआ है, आज की डेट में 2 जुलाई 2018 में। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2016 का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने 3 स्तर पर समान विषय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने कहा था रीट, स्नातक, बीएड तीनों में समान विषय, लेकिन इस आदेश पर सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब पुराने नियमों पर ही होगी भर्ती। जैसा कि आपको पता है कि एक मामले की सुनवाई में जो कि मनीष मोहन बोरा केस था, उसकी सुनवाई में जो कि हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट है, उसने एक निर्णय दिया था कि तीनों स्तर पर समान विषय होगा, उसी को थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2016 के मामले में था और ये 2018 पर भी लागू हो गया था। तो इस आधार पर उन पर रोक लगी हुई थी कि समान सब्जेक्ट होगा तभी वो शिक्षक बनेगा। तो इस पर सरकार SLP दायर करके सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट की आज 2 जुलाई को सुनवाई थी। तो इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का निर्णय था उस पर रोक लगा दी है, अर्थात अब जो भर्तियाँ हैं वो पुराने पैटर्न से होगी और ये जो बीएड के तीनों स्तर पर अनिवार्य होना था ये अब लागू नहीं है, अर्थात अब मामला रास्ता क्लियर है और जल्दी जो 2016 और 2018 की भर्ती अटकी हुई थी उन भर्तियों का रास्ता क्लियर होगा। साथ ही साथ 2016 साइंस मैथ के अभ्यर्थियों के लिए एक अलग मैटर है साइंस मैथ की, उसकी भी सुनवाई जल्द होने की आशंका है। लगभग 30 जुलाई तो बता गई डेट बताई जा रही है, लेकिन उससे पहले भी हो सकती है। और कल इनकी एक और सुनवाई होनी है जो कि पेपर लीक मामले से संबंधित सुनवाई है, जो कि 2018 से संबंधित है, जो कि रीट 2018 से संबंधित, तो उस पर भी आपको अपडेट दी जाएगी। इसी प्रकार के तुरंत अपडेट के लिए आप वीडियो को के नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज ये जो मामला है ये यहाँ पर समाप्त हो गया। साथ ही साथ इससे संबंधित आपके कोई विचार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।